ये बताएं कि दौरे माजी में याब आपका कोई फेवरेट जो बैट्समैन है बॉलर है वो कौन है? सुपरस्टार बनाने में काफी हद तक मेरा किरदार तो का। वो मुझे ये बताएं कि आपके दौर में आपके दौरे कप्तानी में जो गंजा टीम ने सब लोग मिलकर ऐसी कोशिश क्यों नहीं करते कि सिर्फ हारस्तन एक गंजा के गांव की टीम हो ICC अहतर गंजा के नाम से, क्योंकि उन्होंने मुल्क मुकीम होते हैं और उनका ने गंजा की टीम की क्यादत भी की है। जी जी अलहमदुलिल्लाह। कितना अर्सा की क्रिकेट स्टार्ट कर रहे थे तो उस वक्त आपके सीनियर्स कौन से थे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं वो दरान सईदी। तो ये मेरे सुहेल भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये जब प्रोग्राम शुरू करना चाहता मुझे मशवरा किया तो मैंने कहा इंशाल्लाह ये आप इनिशिएटिव लें, तो ये अहले इलाका के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं इस हवाले से। तो ऐसा क्या होता है कि हर इलाके की जो शख्सियात होती हैं उनको उजागर कर रहे हैं, उनका एक पैगाम पहुँचा रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और टफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान, आपका होस्ट सहेल हफजल, आपको वेलकम करता हूं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। वेल, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किस तरह के मोहताज नहीं है, मोहतरम अदनान सईदी साहब लेजेंड क्रिकेटर हैं, दौरे माजी में बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है और अल हैर क्लब गंजा क़यादत भी करते रहे हैं। और आज कल जो है आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं जो टेंट सर्विस का जो बिज़नेस है उससे मुंसलिक हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने मस्तूर शेड्यूल में समय वक्त दिया है। तो अदनान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। साहब तो सर ये मुझे बताएं कि क्रिकेट के सफ़र का आगाज़ जो है, क्रिकेट आपने कब स्टार्ट की थी? वैसे तो पाकिस्तान में पता है आपको कि हर बच्चा गली मोहल्ले से ही क्रिकेट शुरू करता है। जी जी। तो हर एक की शुरुआत तो अपने गली मोहल्ले से ही होती है। जी जी। तो हमें खास तौर पे एक एज था कि हमारे घर के सामने एक दारा था, तो दारे में पूरे गांव के जो क्रिकेटर हैं वो उसी दारे ने पैदा किए हैं। ठीक हो गया। तो दारे में बचपन से शौक था क्रिकेटर का, तो उसमें जो है वो हमारे गांव की एक कमेटी बनी बकायदा जिसको हमने ICC का नाम दिया। ठीक है, ठीक। उसके ICC के हमने कॉर्नर खुद ही बनाए, शौक था ना, शौक का होता है क्राइटेरिया। जी जी। अहतर ICC के नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, हम बचपन से ही अभी 8-9 साल 10 साल की शुरुआत में ही हमने क्या किया, इसको एक प्लान तरीके से खेलना शुरू किया। मतलब कि पूरे हमारे मोहल्ले के जितने बच्चे थे उनके प्रॉपर नाम रजिस्टर किए गए, देखा गया कि कौन ऑलराउंडर है, कौन कितनी विकटें लेगा। ये मैट्रिक से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब हमने ये सारा प्लान किया, तो ये प्लान करने का उस वक्त मकसद ये था कि लड़कों में एक जदोजहद पैदा हो, यहाँ से अच्छे क्रिकेटर निकले, यानी कि मैं ज़्यादा विकटें लूँगा, वो ज़्यादा रन बनाएगा। सुबह से शाम ये हमने पूरा एक हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, महल ये वाहिद मुनफरिद गंजे के पास ये खुशियत है, पूरे अहले इलाका में किसी के पास खुशियत नहीं कि बचपन से अब तक रिकॉर्ड मौजूद है हमारे ICC के पास। ठीक है। अभी वो निजाम चल रहा है? अभी तो नहीं, लेकिन वो दारा ख़त्म हो गया, बाद में बच्चों के खेलने की जगह ख़त्म होगी। हमारे पास ग्राउंड जो थे दरमियान में 5-10 साल हमें ग्राउंड की बहुत मुश्किल रही है। फिर अब आपको पता है कि हमारे UC गंजा ने प्रॉपर एक 4 एकड़ का हमें ग्राउंड दिया है, जिसमें वॉलीबॉल के ग्राउंड हैं, फुटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, ये सारे दिए। तो अब दोबारा से ये जो जनरेशन है ये क्रिकेट की तरफ आ रही है, क्योंकि ग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी था। तो जब दारा ख़त्म हुआ तो उसके साथ ही फिर हमारा ये जो ICC का एक दौर था, हमारा एक पूरे अहले इलाका में हम मशहूर थे कि ये अपना हर एक बंदे का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है। तो ये वहाँ से शुरुआत की हमने सारा ये एक प्लान किया, तो फिर आगे क्रिकेट स्टार्ट कर रहे थे। तो उस वक्त आपके सीनियर्स कौन से थे? मेरे सबसे पहले बड़े भाई, बड़े दोस्त सीनियर थे फैसल, जिस जो फैसल काले के नाम से मशहूर हैं। ठीक है। गांव हमारे गांव का बहुत बड़ा एक बॉलर फैसल राठ और फैसल काला, इनकी बहुत जोड़ी थी। जो फैसल था उसने मुझे बहुत ही बूट अप किया, हर एक मेरी गेम देखी, मुझे बताया कि ऐसे बॉलिंग करनी है, ऐसे बैटिंग करनी है। तकरीबन वो मेरी क्रिकेट के हर मैच देखने आता था और मुझे उसके बाद हामियाँ बताता था। और एक मेरा बड़ा भाई भी जो कैप्टन रह चुका था उस वक्त जब मैं खेलता था, तो ये सीनियर खिलाड़ी थे। एक अंसर चट्टा हमारा सीनियर खिलाड़ी रहा है। ये दो तीन नाम बहुत मशहूर हैं, फैसल राठ हो गया और फैसल काला हो गया। ठीक हो गए, ज़बरदस्त। तो इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपने गंजा की टीम की क्यादत भी की है? जी जी अलहमदुलिल्लाह। कितना अर्सा की? ये मैंने गंजा की क्यादत की है तकरीबन 5 साल। ठीक। सन 2013 से सन 2018 तक। ठीक हो गए जी। उससे पहले एज ए मैं प्लेयर ही खेलता रहा। ठीक हो गए। तो आप
बतौर खिलाड़ी काफ़ी अर्सा खेले हैं, तो किस जो प्लेयर है पंजाब में, जिस आपने बताया कि फैसल राठ हैं और दूसरे फैसल काला के नाम से जाने जाते हैं, आपको शुरू में सपोर्ट किया, तो क्या समझते हैं किसने टीम को अच्छा चलाया, अच्छा रन किया, किसके दौर में तरक्की हुई? इन दोनों के दौर में ही बहुत तरक्की हुई है, हमारे गांव का नाम जो है ना वो रोशन किया है। जो फैसल काले की अगर मैं बात करूं तो वो पाकिस्तानी ए टीम तक भी खेल के आए हैं, ये हार्डबॉल के प्लेयर रहे हैं। अच्छा, और हमारे इधर से लाहौर क्लबों में खेलते रहे हैं बाकायदा तौर पे। फिर कुछ वजूहत की बिना पर इनके वालद साहब की डेथ हो गई और उसकी वजह से इनको क्रिकेट छोड़ना पड़ी, वरना मेरा दावा था कि हमारे फैसल साहब जो गंजा वाले हैं ये इस वक्त कौमी टीम में होते। और इनकी अगर पेस की बात की जाए तो शुएब अख्तर जैसी पेस कहूँ तो वो कम नहीं होगी। ठीक हो गए, बिल्कुल, ये हमारे इंटरव्यू की कहने से पता चला है, मुझे भी पहली दफ़ा पता चला, हालांकि मेरे आपके साथ टीम में बड़े तलकात हैं कि कोई गंजाम में इस तरह के प्लेयर पैदा हुए हैं फैसल काला के नाम से, जो कि लेजेंड थे और माशाल्लाह बड़ी अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है। जी जी, क्योंकि टेप तो हर बंदा ही गाँव में है, लेकिन लेदर बाल उन्होंने खेली काफ़ी आगे जाकर, लेकिन वहीं कुछ मसाइल आए तो उसकी वजह से वो आगे नहीं खेल सके। ठीक हो गया, एक बहुत प्यारी शख्सियत हैं मोहतरम आईसीसी अख्तर गंजा के नाम से, क्योंकि बैरून मुल्क मुकीम होते हैं और उनका फेसबुक पर भी यही नाम है। जी जी, ठीक है जी, तो क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ा प्रमोट करते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, तो मेरे भी वो तलक वाले हैं। जी जी, तो उनके हवाले से मुझे बताएं कुछ, जो उनका जोक शौक था जो उन्होंने आईसीसी को मामला जो है, मतलब एक जुनून है, शौक है, देखे क्रिकेट छोड़ चुके हैं। हाँ जी, लेकिन आज भी वही नाम है। अगर उनकी क्रिकेट खेलने के बारे में देखें ना तो उन्हें क्रिकेट खेली कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन क्रिकेट को सपोर्ट जिनने इतना किया है कि हमारे गाँव में इतना कोई वेल डेवेल्प बंदा नहीं जिसने क्रिकेट को इतना सपोर्ट किया हो, वो उस बंदे ने अपनी तरफ से मतलब के जाना है लड़कों के साथ, उनका रिकॉर्ड रखना है, मैच नहीं खेलना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक बंदा टीम के साथ जाए, वापस आए, उसका रिकॉर्ड रखे, बहुत बड़ी बात, बहुत हर बंदे का उसने रिकॉर्ड रखा हुआ था और हर बंदा हमारे उस वक्त के दौर का हर बंदा उसको आईसीसी के नाम से जाना जाता था और उसको प्राउड फील होता था कि यार ये लड़के मुझे आईसीसी कहते हैं, उसने बकायदा अपनी स्टैंप बनवाई थी, प्रॉपर पैड बनाए थे, वो मैंने देखा हुआ है, पेज भी उनका जो स्टैंप है मुझे तो वो सेंड की थी तस्वीर। हाँ जी, तो वो आईसीसी के नाम से जाने जाते हैं, तो बहुत मेरे प्यारे दोस्त भी हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी शख्सियत है। बिल्कुल जनाब, अगर आपको मौका मिले तो इंशाल्लाह उनका भी इंटरव्यू कीजिएगा। मैंने असल में लास्ट टाइम जब वो आए उन्होंने शादी वगैरह के थोड़े मसरूफ थे तो मुलाकात भी नहीं हो सकी, कुछ मैं भी मसरूफ था, तो इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो मेरे प्लान का वो हिस्सा है, जब भी वो इंशाल्लाह आएंगे तो हम उनका लाजमी इंटरव्यू करेंगे और इस इंटरव्यू की वसासत से हम उनको हराज तहसीन पेश करते हैं आज भी कि मैं उनके ज़ोक और शौक़ दा देता हूँ। और यकीनन ये जो चीज़ है ना खिलाड़ियों के लिए वर्क करना, मतलब रिकॉर्ड मैनेज करना, ये तो ऐसा कोई भी नहीं करता। जी जी, कोई आमतौर पर बंदे कहते हैं फजूल काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैं चूँकि खेल से मुंसलिक हूँ तो मैं समझता हूँ बड़ी बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मुस्बत चीज़ है कि इस तरह के खिलाड़ियों को खेल को अहमियत देना, उन्हें प्रमोट करना। जी जी, हाँ जी, वेल वेरी वेल डन। तो मुझे ये बताएं कि आपके दौर में, आपके दौर की कप्तानी में जो गंजा टीम ने इवेंट्स वगैरह खेले हैं, खुशियाँ भी की हैं, उसके वाले से हमें थोड़ा बताएँ। देखें, वैसे तो हर दौर में गंजा ने बहुत टूर्नामेंट कराए, बहुत क्रिकेट खेली है, लेकिन कुछ ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कप्तानी में मैं कह सकता हूँ कि मुनफरद काम हुए हैं जो पहले किसी ज़माने में नहीं हुए थे। नंबर वन, गंजा की तारीख में पहली दफ़ा जो नाइट थी वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कप्तानी के दौर में करवाई। इससे पहले गंजा की तारीख में नाइट खजूर वाले ग्राउंड में नाइट का जो कंसेप्ट नहीं था, तो हमारी गंजा की टीम को पहली दफ़ा नाइट खिलाने वाला भी मैं ही आदमी हूँ। जितने अहल इलाका जानते हैं कि नाइट्स गंजा की ने बहुत खेली हैं, और उसके मेरे साथ सिवर सलान और एक और लड़का था सुलेमान जो कि भी स्पेन में है, भाई चला गया, हम तीन लड़के जाते थे सिर्फ अपना एक शौक पूरा करने के लिए, बाकी दो तीन लड़के फील्डर उधर से पकड़े और खेले, हमने तकरीबन कोई नाइट रन नहीं छोड़ी अपने दौर में, लेकिन नाइट खेले, लोग खिलाया अपने खिलाड़ियों को, सिर्फ इस पूरे इलाके में गंजा की टीम को इंट्रोड्यूस करवाने वाले अगर बात करूँ तो मैं खुद कह सकता हूँ फायर के साथ कि मैंने अपनी गंजा की टीम को इंट्रोड्यूस करवाया, बाहर के इलाके में ये खारियां गुजरात दिंगा ये सारा जितना 70-80 गांव लगते हैं इन सब में अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूं। इससे पहले क्रिकेट खेलते थे लेकिन सिर्फ एक दो गांव के साथ क्रिकेट खेल ली, ये समझते थे कि ये ऐसे है ऐसे है, ठीक है। तो मैंने क्योंकि सन 2006 से सन 2012 तक प्रॉपर 6 साल क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है, तो उसके बाद मैंने दो साल गैप रखा क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी चला गया था मास्टर डिग्री, तो ये पीछे से लड़के खेलते रहे थे, तो इसके बाद दोबारा
जब मैं आया तो मैंने इनको कहा कि तुम क्यों ये छोटे छोटे गांव के साथ खेल रहे हो, बाहर क्रिकेट खेलो। तो इनको अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपने लड़कों के नया विजन दिया। जी नया विजन दिया और इनको मैं सुपर स्टार बनाने में काफी हद तक मेरा किरदार था। तो उसके जो दूरस्थ नतायज हैं वो अभी तक बरामद हो रहे हैं। हाँ जी, कि अभी आपके जो गंजा की जो मतलब लड़के जो अभी भी हैं, जी जी, मैं देख रहा हूँ अभी इवेंट उसके बाद बड़े भी हुए हैं, जी जी, और मतलब टीम भी आगे पीछे जा रही है, जी जी। तो एक जो इशू है, गंजा एक बड़ा गांव है, लेकिन एक आप बस बात करता हूँ, अब आपको याद होगा कि मैंने गंजा में टूर्नामेंट करवाया डे का, जिसमें मैंने ऐलान किया था कि 10 बजे के बाद हम कोई टीम इंटर नहीं करेंगे। उस वक्त ये असूल था कि हम जाते थे, गंजा की टीम अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इवेंट हुआ सबसे पहले की है। तो मैं ये चीज़ बड़ी नोटिस करता था कि हम सबसे पहले जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, टीमें 11 बजे आती हैं, 12 बजे आती हैं। तो आपको याद होगा मैंने अनाउंसमेंट की थी कि हम 10 बजे के बाद कोई टीम इंटर नहीं करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस बात पर हम कितनी टीमें बाहर उसको वापस भेजी थी, हम अपनी बात पर कायम रखते, 40-45 टीमें आई थी। उसके बाद हमने इसको, ये इनिशिएटिव स्टेप होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। तो मैं आपको भी कहता हूं कि आप टीम इवेंट करवाते हैं उसके ऊपर कोशिश करें, टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से टूर्नामेंट की एक शान रौनक होती है। ये नहीं कि 9 बजे बुलाया हुआ, 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं। तो इन चीज़ों का मैं बड़ा ध्यान रखता था अपने दौर में कि टाइम पर जाना है, लड़कों को बुलाना है, जाना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का उसमें मुझे बहुत जो है ना वो ध्यान रहता है। ठीक हो गया, बिल्कुल, ये अदनान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि हम तनकीद करते हैं, मसाल तौर पर हर बंदा कहता है यार ये वनडे टूर्नामेंट ज़्यादा हो रहे हैं, हाँ अभी यार कम हो गए, जी जी। तो उसका मैं समझता हूँ बेहतरीन हाल ये है कि मैं मॉडल पेश करूँ, जी जी, ऐसी बात कि मतलब एक मैं कुछ इवेंट ऐसा कराऊँ जिसमें ओवर ज़्यादा हूँ, हाँ जी, 6 या 8 ओवर या 5 ओवर। ये मैंने एक इशू देखा है कुछ साल पहले भी अभी भी, कि एक दो लड़के यानी बाहर से खेलते हैं, ठीक है, ये आपको पता है कि हमारे इधर एरिया में जो अच्छे इवेंट्स हैं वो इंटरवल क्रिकेट होती है। हाँ जी, इंटरवल। तो मतलब मैं अभी भी मतलब जो टीम है आपकी, जिसमें आपको पता है जो मसाइल चल रहे हैं, तो आप लोग मतलब आप मौजूद हैं और लोग मौजूद हैं, तो सब लोग मिलकर ऐसी कोशिश क्यों नहीं करते कि सिर्फ हालस्तन एक गंजा के गाँव की टीम हो, ताकि वो हर एरिया में मतलब लड़के खेलें, कोई इशू नहीं ना पेश आए। देखिए आपको पता है कि मेरा बिज़नेस अटेंड सर्विस का, मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मैंने ना जब मैंने ये कप्तानी हैंडओवर करनी चाहिए ना, तो मैंने कहा कि उस्मान को हैंडओवर कर दें। तो उस्मान ने भी 6 माह 8 माह कप्तानी की है, उसने भी एक अच्छा दौर चलाया है। फिर उसके बाद अरसलान अभी आपको पता है मौजूदा गंजा टीम का कैप्टन है, तो वो जो है वो भी कप्तानी कर रहा है। तो मेरे दौर में भी ये बात होती थी कि हम बाहर से, क्योंकि हम खुद एतराज़ करने वाले होते थे कि हम बाहर से जो बंदे आते हैं, बाहर से जो खिलाड़ी खिलाते हैं उनको ना खिलाएँ। तो मेरा भी ये मानना है कि जैसे हमारे दौर में इशू होता था अदील का, आपको पता है अदील जो है वो बहुत अच्छा बॉलर था, तो हाँ उसने प्रॉपर जो है वो गंजे का नाम से अपना आईडी कार्ड बनवाया हुआ था, अपना गंजे की रिहाइश का उसने ऐलान किया हुआ था कि हम किसी और टीम की तरफ से नहीं खेलना। तो इस खिलाड़ी की समझ आती है, जैसे आपको बनी बाशना का पता है कि मुजाहिद बाशने वाला जो है वो बनी मानी जो है वो बनी की तरफ से खेलते हैं, तो क्योंकि उनकी अपनी टीम का कोई वजूद नहीं, उन्होंने ऐलान किया कि हम किसी और टीम से नहीं खेलेंगे, तो वो बनी की तरफ से खेलते हैं और पूरा इलाका उसको एक्सेप्ट करता है। इस तरह की बात तो कंसिडर की जा सकती है, लेकिन यह नहीं कि 4 बंदे उधर से खिलाए हुए, 4 क्लास से 4 बंदे मुगलिया से खिलाए हुए, 4 बंदे से खिलाए में, फिर आपकी अपनी टीम का तो वजूद नहीं रहा। इससे क्या होता है कि अपने आपके लड़के डिस्करेज होते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपने लड़के पैदा करने हैं तो आपके अंदर इतनी व्हील लेते कि आप अपने गांव के लड़के पैदा करें, आप अपने गांव के लड़के ऊपर लेके आए, 10 हैं 5 हैं 8 हैं उनको खिलाएं ना, ठीक है। अगर आपने बाहर की टीमों को मौका देना है अपने नाम से, तो फिर आपके लड़के तो फ्लॉप हो गए, जैसे अभी हो रहा है, अभी मतलब कि इस तरह हो रहा है ना। तो मुझे तो ये बात कम अज कम जो है वो अच्छी नहीं लगती है। ठीक हो गया, क्योंकि असल में हमारा जो एरिया है इसमें क्रिकेट इंटरविलेज है, जी जी, क्लब सिस्टम नहीं है, जी ऐसी बात है, वो टेबल में तो क्लब सिस्टम नहीं है इधर, हाँ जी इधर नहीं, तो इसलिए फिर इंटरविलेज जो टीम है वो मेरे ख्याल में जरूरी है, क्योंकि इधर क्रिकेट इंटरविलेज होती है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मैं खुद इस बात के मुखालिफ हूँ, जो बात गलत है वो गलत है, चाहे हमारे लड़के कर रहे हैं चाहे कोई भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप अपने लड़के को ऊपर लेके आए, अपने लड़कों को प्लेयर बनाए, हमारे पास काफ़ी लड़के हैं खेलने वाले आपको पता है, तो ये भी मतलब कि एक इशू है आजकल, तो इसके ऊपर नोटिस मेरे ख्याल आपको लेना चाहिए, हर टूर्नामेंट के अंदर रहना चाहिए नोटिस, और इसको जितना लिमिनेट कर सकते हैं आप करें। ठीक हो गया, चले बार उम्मीद करता हूँ कि इस ज़मन में कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। ठीक हो गया, आपने अपने दौर में जो खेलिए क्रिकेट उसमें एज ए बैट्समैन खेले या एज ए बॉलर खेले?
नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलराउंडर खेला हूँ। ठीक है, ठीक है। आपको पता है कि वनडे टूर्नामेंट होते थे, तीन ओवर होते थे, और तीन ओवर में शुरू से तो मैं एक ओवर कराता था, एक अरसलान करता था, एक सुलेमान करता था। फिर बाद में जो है वो हमने वजाद को करवाया, फिर अदील आया, फिर इस तरह हमने बाद में बॉलर पैदा किए, और मैं खुद पीछे हो गया और अपने लड़कों को लगातार ओपन खिलवाया, ओपनर खिलाता रहा, उस्मान हो गया, शान हो गया, ये सारे सुलेमान हो गया, इनको खिलाया था कि ये यंगस्टर हैं, ये टीनेजर में थे और अभी इनका आपको पता है कि इलाके में नाम है। तो क्योंकि अच्छा वही होता है जो अपने इलाके से क्रिकेटर पैदा करे दूर सोच के वाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने दौर में बहुत से क्रिकेटर पैदा किए हैं। ठीक, मैं ये बताएं कि दौरे माजी में या अब आपका कोई फेवरेट जो बैट्समैन है, बॉलर है, वो कौन है? दौरे माजी में तो मैंने बताया कि मेरे उस्ताद जो हैं वो फैसल जो काला के नाम से, इसके अलावा अल्लाह के दूसरे जो है जोड़ा वगैरह था दूसरे का, अगर अभी देखें ना क्रिकेटर अपने दौर में, तो मैं ज़ुल्करनैन जोड़ा, बहुत स्टाइलिश बैट्समैन, बहुत अच्छे क्रिकेटर जो है वो, एक स्पोर्ट्समैन होता है उस तरह, उस तरह को मैंने देखा है क्रिकेट खेलते हुए, तो मेरा उस वाले से वो फेवरेट बैट्समैन है। ठीक हो, तो बॉलर कौन सा फेवरेट है? बॉलर की अगर बात करें तो हमारा जो अपना बॉलर है अदील, वो मुझे पसंद है, उसका स्टाइल, उसका मतलब कि एग्रेसिव स्टार्ट वगैरह, ठीक है, सारा भी पसंद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इलाके की जो क्रिकेट है उसकी बेहतरी के लिए आप क्या तजवीज़ देंगे? उसकी बेहतरी के लिए तो हमारे दौर में पता है कि कंपेन शुरू हुई थी कि वो उसको बोलते हैं ब्रेक, ब्रेक का एक कंसेप्ट हुआ कि गुट जो थी वो हमने पता है ना अपनी मेहनत से ख़त्म की, उसको हर एक इवेंट में उस पर एतराज़ किया और उसको ख़त्म किया। तो ये गुट का जो मामला है ये तो आपको पता है शुरू से ही हमारे इस मुल्क में जो है वो हर बंदे को ही होता है कि नहीं एक अच्छा बॉलर बॉल कर रहा है, गुट को ख़त्म किया जाए। दूसरे नंबर पर दूसरी जो मैं चीज़ आपको तो टाइम कीपिंग की पहले भी आपसे मैंने बात की है कि कोशिश करें कि जो टूर्नामेंट के जो टाइमिंग होती है उसको प्रॉपर टाइमिंग, हर टीम को एक प्रॉपर टाइम दें और टाइम पर उसको वाक ओवर दे दें। जब आप एक दो टीम को वाक ओवर देंगे उनको पता होगा कि नेक्स्ट जो है वो टाइम पे जाना है, क्योंकि इससे टूर्नामेंट की जो तकमील होती है उसमें इंतजामियों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो अंपायर्स के हवाले से भी आपको पता है कि ये एक हमें पता है कि आदमी फैसला होता है जो उनके ऊपर छोड़ा जाए, न्यूट्रल होने चाहिए, ये एक मैनेजमेंट जो जितनी अच्छी होगी उस वाले से टूर्नामेंट उतना ही अच्छा होगा, क्रिकेट उतनी अच्छी होगी, बेहतर होगी। अच्छा, चूँकि आपने क्रिकेट को प्रमोट किया है, प्लेयर्स भी तैयार किए, तो मैंने भी देखे हैं, इलाके भी ने देखे, उनको हम जानते हैं जी जी। तो मतलब आपने क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम किया है, तो मैं समझता हूँ इस जीवन में जो मौजूदा यंगस्टर्स हैं, जो नए लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं जी जी। तो अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, उनके लिए तो मैं फ़िटनेस के ऊपर बात करूंगा कि जितनी अच्छी फ़िटनेस होगी, जितनी अच्छा वो अपने आप को बॉडी को मेंटेन रखेंगे। आजकल के दौर के जो लोग हैं, लड़के हैं, वो सिगरेट, ये स्टिंग वगैरह, ये नसवार, ये इस चीज़ों के ऊपर लगे हुए हैं, इसको तरक करें। और वसीम अक्कम का कह रहा था, आपको भी याद है हमारे दौर में, क्योंकि मैं उसने कहा वसीम भाई अब थकते नहीं, उसने कहा मैं सिगरेट नहीं पीता। ठीक है, तो ये जो दौर है आजकल, हर बंदा सिगरेट मंशियात, इसको जितना तरक कर सकते हैं करें, करने के बाद अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान करें, रोज़ाना एक दो किलोमीटर दौड़ें। जो फास्ट बॉलर हैं मैं उनको मशवरा दूंगा कि जितना वो दौड़ेंगे उनका सांस का उतना मसला हल होगा, उनकी पेस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। हमारे क्या कहते हैं, एक ओवर मतलब के अगर एक ओवर किसी ने लगाया है तो दूसरी बार उसको कहना कि एक और ओवर आप करो, तो वो ओवर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ओवर के ऊपर ओवर करना, वो कहता है कि नहीं जी मेरे से नहीं होगा, मुझे दो ओवर की रेस्ट चाहिए। तो ये इसके लिए तो बेहतरीन है। तो बाकी बैट्समैनों के लिए भी जितना रनिंग कर सकते हैं, जितना जो है वो अपने कलाइयों को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आज एक फास्ट क्रिकेट है, तो फास्ट क्रिकेट के ऊपर आपको पता है टाइमिंग का बहुत इशू है। तो इस वाले से मैं कहता हूँ कि ये नशे से जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने आपकी फिटनेस के ऊपर ध्यान दें, राग के ऊपर ध्यान दें, तो इंशाल्लाह ये एक अच्छे खिलाड़ी बन जाएंगे। बिल्कुल। ये हैं मोहतरम अदनान सईदी साहब, लेजेंड क्रिकेटर हैं, सबका टीम कैप्टन है गंजा। तो हमने इनके साथ तफसीलन बातचीत की है, उम्मीद करता हूँ आपको बातचीत पसंद आई होगी। हमारा नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम इलाके में मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनके इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे हैं, तो नंबर ऊपर दिया गया है, तो आप मुझसे बिला झिझक रब्ता करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, तक हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।